हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसमें आवाज सुनने की जरूरत नहीं थी, अपने आप माइक पे जाएगा वो, के सामने आ जाएगा। हालेलुया हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। Glory, 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 glory. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Teri jai ho, teri jai ho, teri jai. Glory, glory, glory. Thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद दें कि उसने मुझे एक और मौका दिया कि हम एक बार फिर से आगरा मसीही मंडली से जुड़कर परमेश्वर की महिमा करें, क्योंकि परमेश्वर महान है और उसने आज्ञा दी है कि जाओ मेरे नाम से पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, सुसमाचार सुनाओ, मेरी आज्ञाओं को मानना सिखाओ। और उसी संदर्भ में आज फिर से हम आगरा मसीही मंडली के द्वारा जुड़े हुए हैं। मैं भाई और बहन का आभारी हूं जिन्होंने ये मौका दिया है कि प्रभु की महिमा करें। भाई डेविड का आभारी हूं, उनकी पत्नी का आभारी हूं जिन्होंने ये मौका दिया कि हम प्रभु की महिमा करें। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, एक बार फिर से हम लोग तेरे चरणों के पास आते हैं, आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए, संगति के लिए जो आपने हम सबों को दी कि प्रभु जी हम ऑनलाइन माध्यम से जुड़ सके और तेरे नाम की स्तुति और महिमा कर सके। कितने लोग हैं जो इस दुनिया से कूच कर गए और उन्हें सुंदर अवसर प्राप्त नहीं हो, कितने लोग हैं प्रभु जी जिन्हें अवसर प्राप्त नहीं हो सका, लेकिन प्रभु जी हम लोग धन्य हैं क्योंकि आपकी कृपा, आपकी दया, आपका अनुग्रह हम पर बरस रहा है। हम जितनी देर प्रभु जी यहां पर तेरी महिमा करने के लिए, तेरे वचन में से पढ़ने के लिए, तेरी आत्मा की अगुवाई में से सीखने के लिए उपस्थित हुए हैं, हम सबों के हृदयों को खोल देना, मनों को खोल देना, बुद्धियों को खोल देना, समझ को खोल देना, ताकि हम तेरी गुण बातों को ठीक ठीक समझ सके और तेरी महिमा कर सके। प्रभु जी संपूर्ण आराधना के लिए और संपूर्ण इस ऑनलाइन से जुड़े हुए लोगों के लिए हम यदि प्रार्थना करते हैं, सबों को आशीषित कर प्रभु यीशु क्रीस्त के द्वारा, आमीन। यदि आपके पास बाइबल है तो निकाल लीजिए, हबकूक नबी की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय और एक से चार पद। हबकूक नबी की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय एक से चार पद, वहां इस प्रकार लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ देखिए, मैं अपने पैर पर खड़ा रहूंगा और गुंबद पर चढ़कर ठहरा रहूंगा और ताकता रहूंगा कि मुझसे वो क्या कहेगा, मैं अपने दिए हुए उल्हाने के विषय में क्या उत्तर दूं। यहोवा ने मुझसे कहा, दर्शन की बातें लिख दे, वरन पट्टियों पर साफ साफ लिख दे कि दौड़ते हुए भी वे सहज से पढ़ी जाएं, क्योंकि इस दर्शन की बात नियमित समय से पूरी होने वाली है, वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है, इसमें धोखा ना होगा, चाहे इसमें विलंब भी हो तो भी इसकी बात जोते रहना, क्योंकि वो निश्चय पूरी होंगी और उसमें देर ना होगी। देख, उसका मन फूला हुआ है, उसका मन सीधा नहीं है, परंतु धर्म ही अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। ये परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे,
आमीन। आज का विषय है मसीही विश्वास के शत्रु। मसीही विश्वास के शत्रु। मसीही जीवन का आधार ही विश्वास है। विश्वासी जीवन स्वयं में एक सुखद अनुभव। हबक्कूक भविष्यवक्ता का कथन है, परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। धर्मी, हबक्कूक 2:4 इस बात की गवाही देता। और क्या कहता हबक्कूक? स्पष्ट तौर पर बता रहा है कि हमारा अनुभव बतलाता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मसीहों के जीवन में मसीही विश्वास का अभाव। राष्ट्रीय, मैं नेशनल और इंटरनेशनल दोनों की बात कर रहा हूं। मसीही विश्वास का ग्राफ मसीहों से गिरता जा रहा, बड़े उतार चढ़ाव से भरा हुआ दिखता। उनके जीवनों में पर्वत शिखरों और गहरी घाटियों के समतुल्य अंधकार व्याप्त। वो ऊपर से तो हंसते हैं, लेकिन अंदर से दुखी है, व्याकुल है। विश्वास का ये उतार चढ़ाव स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों में भी अनुभव किया था, जो उनके शिष्य थे। कम से कम एक ऐसे 3 उदाहरण हम बाइबल में पाते हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों के अस्थिर या डगमग विश्वास के विषय में कह रहे। डगमग विश्वास, बड़ा दुख होता है यह सुनकर। यदि हम उन 3 घटनाओं का सतर्कतापूर्ण ध्यान पूर्वक अध्ययन करें तो हम विश्वास के शत्रुओं को पहचान सकेंगे। मैं आपसे सवाल करता हूं, क्या आपको आपके विश्वास के शत्रुओं के बारे में मालूम है, कौन है, क्या है, और उनका निराकरण भी कर सकेंगे? जब हमें अपने शत्रुओं का नहीं मालूम ये है क्या, तो हम लड़ाएंगे कैसे? बाइबल में लिखा है उद्धार की टोप, झिलम, हर चीज के बारे में लिखा है जो एक योद्धा पहनकर लड़ाई में जाता है और दुश्मनों से लोहा लेता है और परमेश्वर की सामर्थ्य से वह विजयी होता। लेकिन जब हमें अपने शत्रु ही नहीं मालूम तो हम उन पर विजय कैसे प्राप्त करेंगे? ये 3 घटनाएं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं मत्ती रचित सुसमाचार में दर्ज की गई। पहला है मत्ती 6:30, दूसरा है मत्ती 8:26 और तीसरा है मत्ती 14:31। मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा मत्ती 6:30। थोड़ा समय पढ़ने में जरूर लगेगा, लेकिन आपको समझना बहुत जरूरी है कि हमारे विश्वास को हमारा शत्रु चुराने न पाए। मत्ती 6:30 में लिखा है, इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल बाहर में धोंक दी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता है तो हे अल्प विश्वासियों तुमको वो उससे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा। अल्प विश्वासियों, ये चिंता करने वालों की बात। दूसरी जगह 8 और उसका 26 पर देखिए क्या लिखा हुआ। इसी में 8:26 पर लिखा हुआ है, उसने उनसे कहा हे अल्प विश्वासियों क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और वो शांत हो गया। और इसी मत्ती में 14:31 पद भी हम पढ़ लेंगे। 14:31 पद वहां इस प्रकार लिखा हुआ है, यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा हे अल्प विश्वासी तूने क्यों संदेह किया? अब ये 3 चीजें आप याद रखिएगा, चिंता, डर और संदेह। और मैं इस पर आपको बताने जा रहा हूं विस्तार से। तो पहला जो हमारा शत्रु है, जो हमारे विश्वास को चुरा लेता है, हमारे विश्वास को तहस नहस कर देता है, वो है चिंता।
पर्वत के यानी पर्वतीय के उपदेश के अंतिम चरण में ये प्रथम बार आया है चिंता। इसमें प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को सिखाते हैं कि भोजन से कहीं ज्यादा आवश्यक हमारा और आपका जीवन, भोजन से कहीं अधिक। हम दो चार दिन भूखे रह जाएं कोई बात नहीं, लेकिन हमारा जीवन नष्ट ना हो, हम चिंता ना करें और वस्त्रों से अधिक जरूरी है हमारा शरीर, वस्त्रों से अधिक जरूरी है हमारा शरीर। हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे, ये चिंता इसलिए होती है क्योंकि हमारा विश्वास अपने परम परमेश्वर में नहीं होता और इसलिए हम चिंता करते हैं। हमें उसके प्रसाधनों पर यकीन नहीं होता और हमें उसकी प्रतिज्ञाओं पर भरोसा नहीं होता। चिंता विश्वास की प्रथम नंबर शत्रु है। अब कितने मसीह हैं जो चिंता करते हैं? किसी ने कहा है चिंता तो चिता के समान है, तो इसलिए हमें चिंता नहीं करनी। बाइबल में लिखा अपनी सारी चिंता यहोवा पर डाल दे। चिंता करना पाप की श्रेणी में आता है। सुन लीजिए मसीहो, चाहे वो प्रचारक हो, चाहे वो पादरी हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का प्रभु का सेवक हो, यदि वो चिंता करता है तो वो पाप की श्रेणी में आता है। रोमियो की पत्री उसका 14 अध्याय और उसके 23 पद के अनुसार, और जो कुछ विश्वास से नहीं वो पाप से है, जो कुछ विश्वास से नहीं वो पाप से। प्रियो, आज यदि हम विश्वास नहीं करते प्रभु यीशु मसीह पर तो हम पाप करते। लिखा विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। विश्वास और कृतज्ञतापूर्ण ग्रहण करना हमें चाहिए। चिंता एक ऐसा विचार है जो हमें परमेश्वर के यकीन करने और उसके प्रेम करने को स्वीकारने या प्रतिज्ञाओं को मानने में बाधा उत्पन्न करता है। चिंता हमें उस पर विश्वास करने नहीं देता, उसकी प्रतिज्ञाओं को मानने नहीं देता और उसके प्रेम को समझने नहीं देता। चिंता अक्सर हम कई कार्यालयों, दुकानों एवं घरों में लिखा हुआ ये लोकप्रिय वाक्य देखते हैं, डू नॉट वरी इट मे नेवर हैपन, डू नॉट वरी इट मे नेवर हैपन, अर्थात चिंता ना करो ऐसा कभी नहीं होगा। ये वास्तव में सत्य बात, क्योंकि चिंता तो मात्र एक कल्पना है। हमारे माइंड में जो चलता है वो कल्पना है चिंता। चिंता करके ना हम घटा सकते हैं ना बढ़ा सकते हैं, हम अपनी मुसीबत तो बढ़ा सकते हैं। ये कल्पना है जिसके अर्थात से कोई लेना देना नहीं। कई बार जिन बातों की हम आशंका करते हैं वे कभी गुजरती नहीं। वास्तव में व्यर्थ की अवधारणा होती है, सोच होती है जो कि मात्र कल्पना के अलावा कुछ भी नहीं होती। अगर हम रस्सी को दिमाग में कल्पना कर ले यह सांप है तो हमें डरा देगी। यह केवल हमारी सोच है, हमारी कल्पना, हमारी चिंता। हम अपने बच्चों के लिए चिंता करते हैं, हम अपने लोगों के लिए चिंता करते हैं, हम अपनी पत्नी पति के लिए चिंता करते हैं, उनकी शादियों के लिए करते हैं, उनकी नौकरियों के लिए करते हैं। लिखा अपनी सारी चिंता यहोवा पर डाल, परमेश्वर का काम हम ना करें। और चिंता पाप, चिंता हमें निष्क्रिय बना देती है मसीहत में। इसके द्वारा हमारा मस्तिष्क एवं अन्य अवयव या जो चीजें हैं वो कुंठित हो जाती है, सुकुड़ जाती है। चिंता से जुड़ी एक घटना मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से चिंता की बात बता रहा हूं। मार्टिन लूथर से संबंधित एक दिलचस्प वाक्य है जो उनकी किताब में मिलता है। मार्टिन लूथर,
एक दिन वे बहुत निराश थे, मार्टिन लूथर बहुत उदास थे, बहुत चिंता में थे, निराश थे। याद रखिए उस दिन उन्होंने किसी भी प्रकार से किसी से कोई बात नहीं की और ना ही मिले, सारे अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दिए। वे सारे दिन बिस्तर पर ही करवटें बदलते रहे। उनकी पत्नी को, जो कि उनकी इस दशा से संवेदना रखती थी और उनकी मदद करना चाहती थी कि वो इस चिंता से बाहर आ जाए, उन्होंने एक उपाय सोचा। स्वयं को उन्होंने शोक सूचक काले वस्त्रों से ड्रेसअप किया और मार्टिन लूथर के कमरे में पहुंचे। यानी डेथ वाली ड्रेस, जब पादरी लोग किसी की डेथ हो जाती है या घर वाले काले कपड़े पहनते हैं ताकि वो अपने शोक को प्रदर्शित कर सके कि उनके यहां गमी हो गई है, बहुत दुखी है, बहुत परेशान है, बहुत चिंतित। लोग समझ जाते हैं उनके पहरावे से ये व्यक्ति बहुत दिल से दुखी है, और उन्होंने वैसे ही किया। काले कपड़े पहनकर वो मार्टिन लूथर के रूम में प्रवेश करती। मार्टिन लूथर जैसे ही अपनी पत्नी को देखते हैं, मार्टिन लूथर ने बड़े कोताहल से पूछा, यानी आश्चर्यचकित होकर पूछा, अरे ये क्या, कौन मर गया? फिर सुनिए क्या कहा मार्टिन लूथर, अरे कौन मर गया? उसकी पत्नी का जवाब था, तुम्हारा परमेश्वर मर गया, क्योंकि तुम चिंताग्रस्त हो, निराश हो, बिस्तर में पड़े हुए हो। इतना कहकर वे वहां से हटकर अन्य कमरे में चली गई। इस कथन से जो उसकी पत्नी ने कहा था तुम्हारा परमेश्वर मर गया है, मार्टिन लूथर के दिमाग को झकझोर कर रख दिया। उनके मन में तुरंत एक विचार कूदा, मेरा परमेश्वर तो जीवित सर्वशक्तिमान है, मुर्दों में से जी उठा है, नाना प्रकार के आश्चर्य कर्म करता है, वो कोई मूर्ति नहीं है, वो साक्षात ईश्वर है, कान है सुनता है, आंख है देखता है, हाथ है करता है, पांव है चलता है, मुंह है बोलता है, दर्शन देता है। तो फिर मुझे चिंतित होने का प्रश्न ही नहीं उठता। वे फौरन बिस्तर से उठे और स्वयं अपने आप को तरोताजा किया, क्योंकि वे समझ चुके थे कि परमेश्वर ही हमारे जीवन का दाता या सम्राट है, वही हमें चलाता है, हम परमेश्वर को चला नहीं सकते। चिंता करके, बाइबल में लिखा है तुम चिंता करके अपने बाल सफेद और काले नहीं कर सकते। विलियम बर्कले का नाम आपने सुना होगा, आपने एक वृत्तांत में लिखते हैं, यानी विलियम बर्कले लिखते हैं, चिंता तो एक अंधी सोच, सुन लीजिए, चिंता एक अंधी सोच जिसका प्राकृतिक से कोई सामंजस्य नहीं या तालमेल नहीं, प्राकृतिक से कोई भी तालमेल नहीं चिंता का। हम लोग कहते हैं ना, पादरी साहब चिंता का विषय है, अरे बाइबल तो कहती है अपनी सारी चिंता यहां ऊपर डाल दे। बाइबल में हमें और आपको चिंता करने के लिए नहीं कहा ना बनाया है, लिखा है कल अपने आप अपनी चिंता कर लेगा। हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम कल क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। क्या आप बता सकते हैं कि कल आप जिंदा रहेंगे या नहीं? आपको और मुझको जब यही नहीं मालूम कि हमारी उम्र कितनी है, हम कितने क्षणों जीवित रहेंगे, तो हम चिंता क्यों करते? कई लोग मकान बनाने की चिंता करते हैं, कई लोग दुकान बनाने की चिंता करते हैं, कई लोग कई प्रकार की चिंताओं में उलझे हुए और अपने मसीह विश्वास को गिरा रहे हैं और ये शोक कर रहे हैं कि उनका परमेश्वर मरा हुआ। मैं आपसे पूछता हूं कि आपका परमेश्वर मर गया जो आप चिंता कर रहे हैं? उसने तो कहा है मांगो, विश्वास से मांगो तो तुम्हारा पिता तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें देगा। हमें मांगना है,
हम मांगते नहीं है, हमें शर्म आती है, हम घुटनों पर जाते नहीं है, हमें दर्द होता है, हम रोते नहीं है, चिंता जरूर कर। और यही चिंता हमारे मसीह विश्वास को हमारे हृदय से हमारी मस्तिष्क से चुरा लेती है और हमें परमेश्वर के प्रेम से प्रभु यीशु मसीह से अलग कर देती है। चिंता बहुत खतरनाक। प्रियो, प्राकृतिक हमें इस बात की शिक्षा देती है कि परमेश्वर अपनी सृष्टि से प्रेम करता है और उसको पूरा पूरा संरक्षण और सुरक्षा प्रदान करता है। तो फिर हमें किस बात की चिंता? हमारा एक बाल जो भूमि पर गिरता है उसे परमेश्वर जानता है। हमें मालूम ना हो ये कब गिर गया, हमें मालूम ना हो ये कब सफेद हो गया, हमें मालूम ना हो कि ये क्या हो गया, लेकिन परमेश्वर के पास हमारा और आपका एक एक हिसाब है। जब हम अपने बालों की ही रखवाली नहीं कर सकते, ना उसका हिसाब किताब रख सकते हैं जो हमारे शरीर से जुड़ा हुआ है, तो हमें चिंता किस बात की? अरे हमें चिंता करना चाहिए कि हम परमेश्वर के प्रेम से अलग तो नहीं हो रहे, हमारा विश्वास शैतान चिंता डालकर चुरा तो नहीं रहा है। लेकिन हम संसारी चिंताओं में इतना उलझे हुए हैं कि हमें इसका ज्ञान ही नहीं होता कि कब शैतान हमारे दिलों से विश्वास का बीज चुरा लेता है और कड़वे बीज बो देता है। हमें इतिहास से कुछ सीखने भी नहीं देता हूं जब हम चिंता करते हैं। परमेश्वर के वचन और कलीसियाई इतिहास के ऐसे अनगिनत उदाहरण आपको भरे पड़े हैं जहां की परमेश्वर ने अपने लोगों के माध्यम से महान महान आश्चर्य किए। चिंता के मारे हम स्वयं के जीवन में कुछ अच्छाई सीखने नहीं पाते। हम चिंता करते ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाए, परमेश्वर ऐसा हो गया तो क्या होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा, ऐसा नहीं हुआ तो फिर क्या होगा। हम अच्छी बातों को भूल जाते। बाइबल कहती है हमें वचन को पढ़ना है, विश्वास करना है और तब आगे बढ़ना। अभी 8 करोड़ का प्रश्न जो केबीसी में किया गया एक व्यक्ति से, वो इसी विश्वास के ऊपर था कि आपका उद्धार कैसे होगा, कैसे होगा। और उसमें 4 ऑप्शन दिए थे। मैं आज आपसे पूछना चाहता, 8 करोड़ का सवाल, ये बाइबल कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। वो चाहते तो 1000 का प्रश्न बना सकते थे। ये बाइबल को आप हल्का मत लीजिए, ये बाइबल जीवित परमेश्वर का वचन। और उन्होंने पहला कहा उद्धार किसके माध्यम से, नंबर 1 ईसाइयों का उद्धार ईसाइयों से, दूसरा ऑप्शन जो उसमें दिया गया अच्छे कर्मों से, तीसरा जो यीशु पर विश्वास लाता है और बपतिस्मा लेता है, या केवल विश्वास करने से। आप मसीह हैं, आप बाइबल पढ़ते हैं, ये 8 करोड़ का प्रश्न है आज आपके तरफ उछाला गया है। आप जांच लीजिए अपने आप को। चिंता हमारे स्वयं के जीवनों से भी बहुत कुछ अच्छाई जो सीखने नहीं देती। प्रत्येक मसीही ने कई बार परमेश्वर द्वारा किए गए अनुग्रहों को महसूस किया अपने जीवन, अपने परिवार में, अपने बच्चों में, पत्नी और पति में, कलीसिया में, किंतु चिंता उन सभी वरदानों को अनदेखा कर देती है। चिंता उन सभी वरदानों को अनदेखा कर देती है जो परमेश्वर ने अनुग्रह के द्वारा हमारे परिवार में, हमारी समाज में, हमारी कलीसिया में, पर्सनल जीवन में किया। श्री मैथ्यू हेनरी कहते
आध्यात्मिक चिंता ही सांसारिक चिंतन से छुटकारे की दवा। फिर सुन लीजिए, मैथ्यू हेनरी, आध्यात्मिक चिंतन ही सांसारिक चिंता से छुटकारे की दवा। आध्यात्मिक यानी हम बाइबल पढ़े, जब हम परेशान हो, जब हम चिंता में हो, जब हम निराश हो, बाइबल पढ़िए। कितने लोग हैं जो रोज बाइबल पढ़ते, बाइबल रोज पढ़ते हैं? अगर आप बाइबल पढ़ते हैं कंटिन्यू, तो आप चिंताग्रस्त ना होंगे। आप सब कुछ अपनी चिंता परमेश्वर पर उंडेल देंगे। वो हमारा मित्र है, आप उससे बातचीत करिए, आप उसको बताइए कि हे परमेश्वर, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैं क्या करूं, मैं परेशान हूं। परमेश्वर, मैं अपनी सारी चिंता तुझ पर दे देता हूं। आध्यात्मिक चिंतन ही सांसारिक चिंता से छुटकारे की दवा है। यदि कोई अस्पताल में बीमार है और डॉक्टर कह दे कि अब कुछ नहीं होता, फिर आप क्या? आप चिंतित थे कि हम इतना पैसा लगाएंगे कहां से आएगा। आप चिंतित थे ये ठीक क्यों नहीं हो रहा, ऐसा हमने क्या कर दिया, लेकिन डॉक्टर ने कहा, क्या कहा, अब हमारे बस की बात नहीं, अब आप अपने ईश्वर से प्रार्थना करिए। ये काम तो आप पहले और मैं पहले भी कर सकता हूं, हमें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी। आप इसराइलियों के बारे में पढ़िए, जब तक वो परमेश्वर पर विश्वास करते रहे, मूसा उनको लीड करता रहा, वे बीमार नहीं हुए। बाइबल में कहीं भी वर्णन नहीं आया कि इसराइली लोग बीमार हुए और मूसा ने उन्हें चंगा किया या हारून ने उन्हें चंगा किया। हाँ, यदि वो मूर्ति पूजा की तरफ गए तो परमेश्वर ने उन्हें मार दिया, अपने विश्वास को उन्होंने खोया तो परमेश्वर ने उन्हें तबाह कर दिया। बीमार नहीं हुए। प्रियो, इस समस्या का निराकरण तभी संभव है कि जब हम अपनी प्राथमिकताओं को एक नई सृष्टि से संवारें। नई सृष्टि, नई दृष्टि, और वो है प्रभु यीशु मसीह। उठ, तेरा प्रकाश आ गया, यशाया 61। उठ, प्रकाश मानो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया। आज मसीहों के लिए ये वाक्य बहुत ही संजीवनी का काम करता है। उठ, खड़ा हो, विश्वास में स्थिर हो, क्योंकि तेरा प्रभु आने वाला है। क्या हम तैयार हैं? क्या हम प्रभु को साथ जाने के लिए तैयार हैं? क्या हम उसकी संगति करने के लिए तैयार हैं? अरे प्रियो, जब हम यहां रह करके उसकी संगति में समय नहीं गुजारते, तो वहां कैसे गुजारें? वहां तो 24 घंटे स्वर्गदूत परमेश्वर की महिमा कर रहे, परमेश्वर की बड़ाई कर रहे, और हमसे एक घंटा भी परमेश्वर की महिमा नहीं होती। कैसे मसीह है आप? कैसी चिंता कर रहे हैं? कैसे परमेश्वर पर विश्वास करते हैं? प्रियो, यदि ऐसा हम कर रहे हैं तो यह विश्वास का शत्रु है, चिंता, जिसने आपके विश्वास को चुरा लिया। भलाई को उसके, हम जो भलाई करते हैं, बाइबल कहती है जो भलाई करना जानता है और भलाई नहीं करता वो पाप करता। किंतु अधिकांश मसीह पहले उसकी भलाई की ओर ध्यान देते ताकि वो हम पर अनुग्रह करता रहे। सुनिएगा बहुत ध्यान से, जबकि प्रभु की आज्ञा है हम परमेश्वर की महिमा को प्राथमिकता दे। महिमा को, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, परमेश्वर ने मुझे और आपको क्यों बनाया? भलाई करने के लिए, यह एक गुण है, लेकिन परमेश्वर ने मुझे और आपको इसलिए बनाया कि हम उसकी महिमा करें और उसकी महिमा को प्राथमिकता दें। वो तो हमसे होती नहीं और भलाई का ढोंग करते। यदि आपने किसी से सच्चा प्रेम किया है तो आप उसके लिए सब कुछ समर्पित कर देंगे।
आज परमेश्वर ने हमसे सच्चा प्रेम किया है यूहन्ना 3:16 में कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आज हम नाश ना हो अनंत जीवन पाए, हमें उसकी महिमा करनी है तो भलाई पर ध्यान दे रहे। भलाई तो एक गुण है, पहले महिमा तो करें। हमसे ताली बजती नहीं, चर्चों में गाना गाते हैं कई लोगों की ताली से आवाज ही नहीं आती, ऐसे ऐसे बजा रहे। साउंड प्रूफ क्लैप, साउंड प्रूफ वर्ड, इट वॉन्ट वर्क इन द किंगडम ऑफ गॉड, इन द साइट ऑफ द गॉड। हमें बोलना, हमें दोनों हाथों उठाकर परमेश्वर की महिमा करना। हम चिंता बहुत करते, हमें अपनी व्यक्ति के चिंताओं, पारिवारिक चिंताओं का बोझ, चाहे वही वर्तमान में हो या भविष्य का हो, प्रभु यीशु मसीह को समर्पित कर देना चाहिए। प्रियो मसीहो, जो आप मुझे सुन रहे हैं, हम अपनी सारी चिंता उस पर डाल दे, एक बार डाल के तो देखिए, लिखा परख कर देखो यह हुआ कैसा भला है, एक बार डालिए तो फिर देखिए परमेश्वर क्या भलाई करता है, क्या अशुभ कर्म करता है। और जो शैतान है वो कांपेगा, क्योंकि आपने अपनी सारी चिंता यहोवा पर डाल दी है, वो पूरी करेगा। शैतान बहस नहीं कर सकता। बाइबल में लिखा है उससे डरो जो तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों को नष्ट कर सकता है, उससे मत डरो जो तुम्हारे केवल शरीर को नष्ट। और हम उससे डरते हैं जो हमारे शरीर को नष्ट कर, हम परमेश्वर से डरता ही नहीं। हमें परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए अपनी चिंताओं आवश्यकताओं को प्रस्तुत करते हुए परमेश्वर की शांति का आनंद उठाना चाहिए जो हमारी समझ से परे है, कि वो हमें इसके बदले बुद्धि और ज्ञान प्रदान। इसलिए प्रियो, हम चिंता न करें। दूसरी बात, भय या डर, फियर, यह दूसरा शत्रु है जो हमारे विश्वास को चुरा लेता है। डर, बाइबल में तो लिखा है डरपोक स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करें। अभी मैं आपसे कहूं जाइए चौराहे पर प्रचार करिए, जाइए अन्य जातियों पर प्रचार करिए, नहीं नहीं पाती साहब, नहीं नियम बदल गए, हमें सांप की नाई चलाद और कबूतर की नाई भोले बनना है। कब बनना है, कब के लिए कहा गया, ये कैसा कॉन्टेस्ट है, किसके लिए कहा गया, हमें ज्ञान ही नहीं है। हम परमेश्वर के राज को बढ़ाने के लिए अपने जीवन को बलिदान करना नहीं जाते, जबकि बाइबल कहती है धन्य वे जो मेरे नाम से सताए जाते। भय एक दूसरा वितरण या दृष्टांत मत्ती में के 8वें अध्याय में पाते हैं, सुनिएगा बहुत ध्यान से। गलील की झील में एक नाव पर यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ यात्रा कर रहे हैं। गलील की झील, यह झील अचानक उठने वाले तूफानों के लिए जानी जाती है। कभी भी तूफान आ जाता, कभी भी ऊंची ऊंची लहरें उठने लगती, इसमें कई दुर्घटनाएं घटित हुई थी और यहां तक कि कई लोग मृत्यु के शिकार भी हो गए, ऐसा इतिहास बताता है। और यहां तक कि कई लोगों को इसमें सफर करने से बहुत परेशानी होती थी। प्रभु यीशु मसीह लिखा है जब वो गलील की झील में यात्रा कर रहे थे, नाव के निचले स्तर में सो रहे थे, गहरी नींद में सो रहे थे। शिष्यगण संभवतः ठंडी हवा के झोंकों का आनंद ले रहे होंगे, बाहर डेस्क के ऊपर निकल आए होंगे। आपने तो आजकल बड़े बड़े शिप देखे, उस समय ये बताया दो खंड का ये नाव थी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह नीचे हिस्से में सो रहे थे, यानी दो लेयर में थी, दो स्टोरी में थी। और आपस में बात भी कर रहे होंगे चेले, अचानक
एक अनुभवी मछुआ अभावी पड़े शेष प्रचंड तूफान आने की आशंका से भयभीत हो जाता है, क्योंकि वो मछली पकड़ने वाले थे, उन्हें झील का ज्ञान था, उन्हें हवाओं का ज्ञान था, उन्हें मौसम का ज्ञान था, लेकिन वो ज्ञान भूल गए थे कि उनका जीवित परमेश्वर उनके साथ। संसारिक ज्ञान इतना ज्यादा था कि उसको देखकर पढ़कर वो समझ गए थे कि गलील में तूफान, झील में तूफान उठने वाला है, लेकिन इतने डर गए थे और उस डर के कारण वो भूल गए थे कि उनका परमेश्वर, उनका यीशु उनके साथ। और उसने पूर्व में कई अनुभव ऐसों से वो गुजरा था जो शिष्य ये कह रहा, और सभी शिष्य घबरा गए जब उसने कहा तूफान आने वाला है और लहरें उठने वाली हैं, क्योंकि ऐसा हो रहा है। बाइबल में लिखा है ना, जब हवा ऐसी चलेगी तो समझ लेना ये होगा, जब पुरवाई होगी तो ये होगा, गोधूली के समय में जब लालिमा दिखाई देगी तो ये होगा। आप पढ़ लीजिए, ऐसे ही इस चेले को ज्ञान था, लेकिन संसारिक ज्ञान इतना ज्यादा था कि वो आत्मिक ज्ञान को यानी अपने ईश्वर को ही भूल गया जो उसके साथ उस नाव में बैठकर यात्रा कर रहा। और जब ये सोच ही रहा था, लिखा है नाव में लहरों के थपेड़े लगने लगे, वे अत्यंत भयभीत होके चिल्ला उठते, चिल्लाने लगते। अब उन शिष्यों के दिमाग में कई प्रकार के ख्याल आए होंगे, कई प्रकार के विचार आए होंगे, कई प्रकार की चिंताएं आई होंगी, भय उन पर हावी हो गया, उन पर भय हावी हो गया और हावी होता जा रहा था। वे ये भी सोच रहे होंगे, अरे हमारे तो घर परिवार है, पत्रस सोच रहे होंगे मेरी पत्नी और बच्चों का क्या होगा, उन्होंने यह भी सोचा होगा अरे गुरु यीशु का क्या, वे तो कुमारे ठहरे, न उनके आगे कोई न उनके पीछे कोई, हमारा तो परिवार है। कभी कभी हम ऐसा भी सोचते, प्रभु अब मर गए तो हमारे बीवी बच्चों को कौन देखेगा, ना आगे ना न पीछे पगा, इनको किसकी फिक्र है प्रभु को, तभी तो इतनी गहरी नींद में नाव के नीचे सो रहे हैं, सोने में लीन है। इस प्रकार भय से व्याप्त होकर उनके विश्वास को उन्होंने तोड़ डाला था, विश्वास टूट गया, डर के मारे विश्वास खो गया। ये शत्रु है हमारे विश्वास का, डर, और इसलिए लिखा है डरपोक स्वर्ग के राज में नहीं है। परमेश्वर और डरपोक लोगों की जरूरत। प्रभु यीशु मसीह ने 12 चेले चुने, 12 दमन थे, कोई भी प्राकृतिक मौत नहीं मरा, सबको यातनाएं दी गई, सबको मारा गया, लेकिन उन्होंने परमेश्वर का सुसमाचार दुनिया के कोने कोने में फैला दिया, पूरी दुनिया को हिला दिया, और उसकी फसल हम और आप। इस प्रकार भय से व्याप्त होकर उनके विश्वास को शैतान ने तोड़ डाला। भय और विश्वास कदापि एक साथ नहीं चल सकते मसीही जीवन में, इसको लिख लीजिए आप। यदि आप डरे हुए हैं तो आप मसीही नहीं। परमेश्वर ने मुझे और आपको निडर बनाया है कि हम शैतानी शक्तियों का सामना करें, परमेश्वर को हाजिर और नाजिर जानकर अपने जीवन का निर्वाह करें और शैतानी शक्तियों से लड़ें, क्योंकि उसने पवित्र आत्मा का दान हमें दिया है कि हम शैतानी शक्तियों को पवित्र आत्मा की सामर्थ में तोड़ सके। दोनों एक दूसरे के प्रतिपक्षी होते, अतः प्रभु को झंझकोर कर
जो चेले डरे हुए थे वे नीचे गए और प्रभु को झंझकोरा, उठो प्रभु, हम तो डूबे जाते, हम तो मरे जाते। आप क्या सोचते हैं ये इतने डरे हुए क्यों थे? क्या इन्हें ये प्रभु के साथ रहते थे, इन्होंने आश्चर्य कर्मों को नहीं देखा? क्या कोढ़ियों को शुद्ध होते नहीं देखा था? क्या मुर्दों को यीशु ने जिलाया नहीं देखा था? क्या भूखों को खिलाया नहीं देखा था? क्या अंधों को आंखें दी नहीं देखा था? क्या लंगड़े चलने लगे नहीं देखा था? फिर भी डर गए। अविश्वास, क्योंकि शैतान ने डर पैदा कर दिया दिल के अंदर, विश्वास को चुरा लिया। जब प्रभु जागे और उन्होंने तूफान को शांत कर दिया तो उन्होंने शिष्यों से पूछा, बाइबल पढ़िए, क्यों डरते हो, क्यों डरते हो? ये घटना इस तथ्य की साक्षी है कि डर या भय विश्वास का दूसरा शत्रु है। डर या भय विश्वास का दूसरा शत्रु है। यदि हम चिंता करते तो हम, यदि हम डरते तो हम लोग मसीह नहीं। डर भी व्यक्ति को निष्क्रिय बना देता है, जैसे चिंता निष्क्रिय बना देती है वैसे डर, अगर आप डर जाए तो आप कमरे से बाहर ना निकले। जब किसी व्यक्ति पर डर हावी होता है या हो जाता है तो वो नॉर्मल नहीं रह जाता। सुनिएगा ध्यान से, यदि आप डर जाते हैं तो आप नॉर्मल व्यक्ति नहीं रह जाते। डर की दिशा में वो ना तो कभी सोच पाता है और ना कभी सुन पाता है और ना सही देख पाता है, इतना डरा होता है। ना देख पाता है, ना सुन पाता है, ना सोच पाता है, यानी हम और आप नॉर्मल नहीं रह जाते। शैतान हमें एबनॉर्मल बना देता है। डर उस व्यक्ति को व्यथित करके मुसीबत में डाल देता है। डर वो हमारी दृष्टि को भी भ्रमित कर देता है। यह दृष्टि भ्रमित आंतरिक यानी आत्मिक, बाहरी यानी बाह्य शारीरिक, दोनों ही प्रकार की होती है। यही कारण था कि डर के मारे शिष्यों ने प्रभु यीशु मसीह का दर्शन एक प्रेत आत्मा के रूप में किया था। फिर सुन ली, यही कारण था कि डर के कारण शिष्यों ने प्रभु यीशु मसीह का दर्शन एक भूत और प्रेतात्मा के रूप में किया। मैं पतरस की बात, पानी पर चलने की बात, जब उन्होंने देखा कोई पानी पर आ रहा वो डर गए, उन्होंने देखा रहे तो भूत आ रहा है, वो प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचान पाए क्योंकि डर उन पर हावी हो गया था। उसी प्रकार मरियम ने भी भयवश ही प्रभु को एक माली समझा था। मरियम भी डर गई थी जो पहले कब्र पर पहुंची, डरी हुई थी, सहमी हुई थी, मेरे लिए कौन पत्थर हटाएगा। वो भूल गई थी कि प्रभु ने भविष्यवाणी की है, प्रभु सामर्थी है और उसने कहा था ये मंदिर को ढा दो, मैं 3 दिन में खड़ा कर दूंगा, और वो जीवित हो गया। लेकिन वो डर गई थी और पूछने लगी प्रभु को, माली समझा। वो कहने लगी, माली क्या तूने मेरे प्रभु को देखा है, कौन ले गया? उसी प्रकार वर्तमान समय में भी हम मसीह लोग अल्पसंख्यक या लघुता या जैसी मनोवार्ता या मनोभावना या हीन भावना का शिकार होते रहते, इसका मुख्य कारण है हमारा डर। वो कारण है हमारा डर, भय के कारण हम परमेश्वर द्वारा किए जा रहे अद्भुत कार्यों को भी नहीं देख पाते, डर के कारण। यहां तक कि दुख, बीमारी, दैनिक समस्याएं, कठिनाइयों और विपत्तियों में भी हम परमेश्वर की उपस्थिति
को नजरअंदाज कर देते हैं या करते जाते हैं। प्रभु का नाम ही इमानुएल है, यानी अर्थात परमेश्वर हमारे साथ। इमानुएल परमेश्वर हमारे साथ, हम डरे हुए। कईयों के नाम ही इमानुएल है लेकिन है डरपोक। किंतु ये तथ्य भय के कारण हम भुला बैठते हैं कि हम उसे पहचान नहीं पाते, उसके कार्यों को समझ नहीं पाते, और इसलिए शत्रु हमारे विश्वास को चुरा लेता। डर या भय कई प्रकार के हो सकते हैं। डर या भय कई प्रकार के हो सकते हैं। एक सर्वमान्य डर यानी मृत्यु का डर है। कितने लोग मरने से डरते हैं? एलिया अपने प्राणों के भय से भागा था। गैर मसीहों में कई अज्ञात किस्म के भय पाए जाते, कुंठाएं पाई जाती, सोच पाई जाती डर के। मैं आपसे पूछ लू, क्या आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है? क्या आपका नाम आंसुओं की पुस्तक में लिखा हुआ है? क्या आपका नाम अनंत जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है? ये इसलिए आप नहीं बता पाएंगे क्योंकि आप डरे हो, आप परेशान हैं, डर आप पर हावी। शैतान ने आपको डरा रखा है, और जब आप डरे हुए हैं तो आप कभी भी डरा हुआ व्यक्ति सामने वाले या शत्रु से विजय प्राप्त नहीं करता। यही कारण है कि अनजाने भय से वशीभूत होकर लोग जो अपने आप को ईसाई या मसीह कहते हैं, प्रेत आत्मा प्रेत पूजा का सहारा लेने। मैंने कई मसीहों को देखा, काले धागे बांधते, ताबीज बांधते, नाना प्रकार की चीजों को पहन लेते, नाना प्रकार के धर्मकर्म करते, नाना प्रकार के मजारों पर जाते, नाना प्रकार के जादू टोला में लिप्त हो जाते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आप किससे डरे हुए? क्यों? क्या आपका परमेश्वर मर गया? क्या आपका यीशु जिंदा नहीं हुआ? जो आप ये सारे काम कर रहे हैं, शैतान ने आपको डरा दिया है। हमें डरना नहीं है, यदि हम डर गए तो शैतान हम पर हावी हो जाएगा। आज कलीसियाओं में आप जाइए, लोग डरते, पादरी साहब दुआ ना करवा ले, वचन ना पढ़वा ले, गाना ना गवा ले, गवाही देने को ना बोल दे। काहे काहे का डर? यदि अविश्वासी है, हमारा विश्वास यहां पर है, तो हमें डरना नहीं। ग्रामीण क्षेत्रों में मैं कई जगह प्रचार करने गया, लोगों में भूत प्रेत का डर ज्यादा रहता है, जादू टोना का ज्यादा रहता है, भविष्य की चिंता या भय की सोच आधुनिक युवाओं और युवतियों को के फेस पर नजर आती है। मेरी शादी होगी कि नहीं होगी, मुझे नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मुझसे कोई प्रेम करेगा कि नहीं करेगा। अरे प्रियो जवानों, आप प्रभु से प्रेम तो करो, अपनी सारी चिंता प्रभु पर तो डालो, अपने डर को प्रभु के चरणों में उंडेलो, फिर देखो परमेश्वर का चमत्कार आपके जीवन में होने लगेगा। हमारे पास भय से बचने का कोई विरोधी उपाय क्या हो सकता है? दूसरा तिमोथियुस उसका पहला अध्याय और उसका 7 पद मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। दूसरा तिमोथियुस वहां इस प्रकार लिखा हुआ है,
क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। फिर सुन लीजिए, परमेश्वर ने हमें भय की नहीं परंतु सामर्थ प्रेम और संयम की आत्मा दी है। ये डर कहां से आ गया, ये चिंता कहां से आ गई? संत पौलुस स्पष्ट रूप से संकेत करते हैं कि भय से मुक्त रहने का सिर्फ एक ही उपाय है कि हम प्रभु यीशु मसीह में विचरते हुए या जीवन को जीते हुए पवित्र आत्मा की अगुवाई में अपने जीवन को आगे बढ़ाएं या बिताएं। जो कोई परमेश्वर के भय में स्थिर रहता, हम दूसरे भय की बात नहीं कर रहे, मैं आत्मिक भय की बात कर रहा हूं, परमेश्वर के भय में, जिससे हमें डरना चाहिए उससे तो हम डरता ही नहीं, उससे तो हमें डर ही नहीं लगता, क्योंकि उसने इतना अनुग्रह कर रखा है, इतना क्षमा कर रखा है, इतना प्रेम कर रखा है कि हम उससे डर भूल गए। लेकिन आपको बता दूं, परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है और वो हमारा न्याय करेगा। अभी हम अनुग्रह के समय में, किसी मनुष्य या अन्य किसी वस्तु में से भयभीत हमें नहीं होना चाहिए, यहां तक कि मृत्यु का भय भी हम मसीहों में नहीं होना चाहिए। यीशु क्रिस्त ने हमें मुक्त कर दिया है, इस बात की पुष्टि इब्रानियों की पत्री उसका 2:14-15 जो मृत्यु से डरते हैं उनके लिए है, पढ़ लीजिएगा। आखिरी बात, समय बहुत तेजी से जा रहा है, शक या संदेह, डाउट। मसीही विश्वास स्ट्रांग होना चाहिए, जड़ होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। मसीह विश्वास को तोड़ने के लिए शैतान जिस तीसरे शक्तिशाली शस्त्र और अस्त्र का प्रयोग करता है वो शक या संदेह। एक उदाहरण देना चाहता हूं, यदि पति पत्नी पर शक करने लगे, पत्नी पति पर, तो वो परिवार परिवार नहीं रह जाता। मां कल है प्रारंभ, शैतान के काम प्रारंभ, शैतान की युक्तियां प्रारंभ। यही वह अचूक शस्त्र था जिसका उपयोग शैतान ने अदन की वाटिका में किया था, और इसी शस्त्र का प्रयोग उसने प्रभु यीशु मसीह पर भी परीक्षा लेने के समय में किया था। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 में दर्ज घटना इस पर पूर्व प्रकाश डालती, जब शिष्यों ने यीशु की सागर लहरों पर चलते देखा तो लिखा डर गए, डर के मारे उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को भूत प्रेत समझ लिया। उन्होंने सोचा शायद उसका कोई मछुआरा साथी जो पहले मर गया होगा आज समुन्दर या गलील की झील पर चलकर आ रहा है, भूत बन गया है, प्रेत बन गया है, हमारी नाव के ऊपर बड़ा चला रहा है। और लिखाए हुए बहुत डर गए। कितने मसीह भूत पर इससे डरते, हाँ बाइबल कहती है ये होते हैं, लेकिन आप सच्चे मसीह है तो ये आपको छू नहीं। लेकिन यदि आप डरे हुए चिंताग्रसित शक करने वाले प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास न करने वाले प्रार्थना न करने वाले वचन न पढ़ने वाले व्यक्ति है मसीह है तो यह आप पर हावी हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा डरो मत, एक कहावत भी है ना, जो डर गया वो मर गया, किंतु तब भी शेष उसकी आवाज को पहचान नहीं सके। डरा हुआ व्यक्ति सोचने के हालत में नहीं होता, सही चीज देखने के हालत में नहीं होता, सही चीज बोलने के हालत में नहीं होता, हाथ पांव चलाने के हालत में नहीं होता, वो तो थर 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 कांपता रहता डर के बाद। और लिखा हुआ है जब पत्रस ने थोड़ी हिम्मत की यानी डर पर काबू पाया
तो उसने प्रभु से कहा, हे प्रभु अगर तू यीशु है तो मुझे भी आज्ञा दे मैं पानी पर चलूं। प्रभु ने कहा आजा, और वो प्रभु को देखता रहा और पानी पर चलता रहा। बाइबल में इसका कहीं नहीं वर्णन है वो कितने दूर तक गया, कितना कम चला है या ज्यादा चला, लेकिन वो पानी पर चला। इस संसार के अंदर दो ही ऐसे व्यक्ति हैं जो पानी पर चले, एक प्रभु यीशु मसीह और दूसरा पत्रस। 1980 की बात बताता हूं, साईं बाबा जो बेंगलोर में, बहुत ध्यान से सुनिए ना हो तो पता लगा ली, उन्होंने ऐलान कर दिया कि जैसे ईसा मसीह पानी पर चले मैं भी चल सकता हूं। बॉम्बे के अंदर समुद्र में कैमरे लगा दिए गए, बड़े बड़े पत्रकार विदेशों से आने लगे और यहां चर्चों में प्रार्थनाएं होने लगी। हर एक मसीह डरा हुआ था अगर वो पानी पर चल लिया तो हमारे प्रभु यीशु मसीह का क्या होगा। हमें डरने की जरूरत नहीं, ये तो वही हाल हुआ कि प्रभु यीशु मसीह चेलों के साथ है, नाव में लहरें चल रही हैं, वो डर रहे हैं कि हम मर जाएंगे, नाव डूब जाएगी, हमारे परिवार का क्या होगा। वो भूल गए कि सृष्टि करता उनके साथ, लिखा है आंधी और तूफान भी उसका कहना मानती। और जब कैमरे लगा दिए गए, डेट फिक्स कर दी गई, नाना प्रकार की चीजें हुई, वो दिन आ गया, वो समय आ गया चलने के लिए। यहां दुआएं हो रही थी, उपवास लोग कर रहे थे, जैसा पहला पांव साईं बाबा ने रखा गुप से अंदर चला गया। प्रियो, परमेश्वर की सामर्थ को ललकारना बहुत ही भयानक बात है। कभी कभी हम परमेश्वर के दासों को भी ललकार देते हैं, ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर की आत्मा उनमें समाई हुई है। परमेश्वर हमें बर्बाद कर देगा। प्रियो, हम संदेह ना करें, लिगामेंट पत्रस संदेह का शिकार हुआ, विश्वास टूटा और वो डूबने लगा, और वो बचाने के लिए जोर से चिल्लाया। क्या चिल्लाया? प्रभु मुझे बचा। और प्रभु ने उसका हाथ पकड़ा और उसे बचा लिया। पत्रस ने संदेह किया, शक किया। कहते ना शक की कोई दवाई नहीं। प्रियो, मसीह लोग शक के शिकार हैं, संदेह के शिकार हैं, मसीह विश्वास से दूर हो जाते हैं संदेह करके, फलस्वरूप उनका जीवन मसीह रहित होकर असफलता के गर्त में चला जाता है और शैतान दूर खड़े होकर ताली बजाता है, मैंने उसको हरा दिया। एक और इलस्ट्रेशन देना चाहूंगा, एक बार मार्टिन लूथर अपनी किताब लिख रहे हैं, उसमें ये वर्णन पाया जाता है, वो शैतान के ऊपर को लिख रहे और उन्होंने लिखा शैतान कब खुश होता है। शैतान ने एक बहुत बड़ी मीटिंग बुलाई और उन्होंने कहा अपना अपना रिपोर्ट कार्ड दो, यानी अपनी अपनी रिपोर्ट दो, तुमने क्या किया। पहला व्यक्ति आया, उसने शैतान से कहा एक मसीह झुंड रेगिस्तान में जा रहा था, मैंने ऐसी आंधी चलाई कि वो सब वहीं मर गए, कोई अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाया। शैतान बहुत नाराज हो गया, अरे बेवकूफ तुम निठल्ले हो, निकम्मे हो, अरे वो मर गए तो क्या हुआ, उनकी आत्मा तो स्वर्ग में चली गई, तुमने कौन सा बड़ा काम किया। बोले इसको बंधक बनाओ, ये हमारे राज के लिए सही काम नहीं कर रहा है। दूसरे व्यक्ति से रिपोर्ट कार्ड लिया, उसने कहा जहाज में बहुत बड़ा काफिला मसीहों का जा रहा था एक कन्वेंशन अटेंड करने, मैंने उसको वहीं रोक दिया,
वो सारे मर गए। हंसने कहा इसको भी अरेस्ट करो, तुमने कौन सा बड़ा काम किया। वो सब मर तो जरूर गए लेकिन उनकी आत्मा तो स्वर्ग में चली गई। तीसरे से उसने पूछा तुमने क्या किया। बोले हुजूर मैं 10 साल से एक मसीह परिवार के पीछे लगा हूं और मैंने उसको प्रभु के प्रेम से परमेश्वर की आज्ञाओं से अलग कर दिया और वो हमारे खेमे में सम्मिलित हो गया। शैतान ने कहा इसे ताज पहनाओ, इसने सबसे बड़ा अच्छा काम किया। आज हम मसीहों की हालत क्या है? अगर परमेश्वर हमसे रिपोर्ट कार्ड मांगेगा तो हम क्या देंगे? क्या हमने कभी एक आत्मा बचाई है? क्या हमने किसी भी आत्मा को जीता है? क्या हमने किसी की सहायता की है? परमेश्वर ने इतने दान वरदान दिए, हमने उसका उपयोग परमेश्वर के राज में भटकी हुई आत्मा को जीतने के लिए किया? 5,000 की भीड़ को भोजन से तृप्त किए जाने की घटना पे हम विश्वास करते हैं? वो बांटी जाने वाली रोटियां, 2 मछली और 5 रोटी इतनी बढ़ गई, लोगों ने सोचा नहीं था। 5,000 थे, 2 मछली और 5 रोटी क्या आप खिला सकते? ये आश्चर्यकर्म नहीं है तो क्या? ये प्रभु की सामर्थ नहीं है तो क्या है? इसलिए तो हम प्रभु से कहा यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर हो तो तुम इस पहाड़ से कह दे समुद्र में चला जा तो ये चला जाएगा। पहाड़ से कह दे राई के दाने के बराबर, हमारा उतना भी विश्वास नहीं है। कहीं आम की गुठली बोल देता या कोई और बड़ा बीज बोल देता तो हम मसीहों की हालत क्या होती? हमारे पास इतना भी विश्वास नहीं है राई के दाने के बराबर। हमारी प्रार्थनाओं में दम ही नहीं है, हमारे प्रचार में दम नहीं है, हमारी सेवा में दम नहीं है, तो हम क्या परमेश्वर को रिपोर्ट कार्ड देंगे? याकूब 1:6 यदि आप पढ़ें तो लिखा है संदेह करने वाला व्यक्ति हर एक लहर के समान है जो महज हवा के झोंके से उठती है और ऐसा व्यक्ति किसी उत्तम उपलब्धि की आशा नहीं कर सकता, कोई भी अच्छी चीजों की आशा नहीं कर सकता। जिस प्रकार से प्रकाश की निरंतरता में बढ़ोतरी होने पर छाया लोप हो जाती है उसी प्रकार विश्वास की गहनता के बढ़ जाने पर संदेह भी गायब हो जाता है। हम विश्वास को बढ़ाएं तो ना चिंता आएगी, ना डर आएगा, ना शक आएगा, लेकिन हम विश्वास को बढ़ाते नहीं है, हम अपने संसाधन को बढ़ाने में लगे हुए, हम संसारिक चीजों को बढ़ाने में लगे हुए। क्या हमने कभी अपने दान और वरदानों को रिन्यूअल किया है या परमेश्वर से मांगा है या उसे बढ़ाया है या उसमें सामर्थ्य प्राप्त की है? नहीं किया तो आज से करिए। अभी मैं 2-3 कैंसर व्यक्तियों के लिए प्रार्थना कर रहा था, रो रो कर प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने जवाब दिया। कईयों के ऑपरेशन हो गए, वो घर आ गए, कई चंगे हो गए। ये विश्वास का ही तो फल है, इसमें मेरी और आपकी कोई योग्यता नहीं है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम उस पर बिल्कुल निसंदेह विश्वास करें। परमेश्वर का वचन सुनने में भी हमारा विश्वास दृढ़ होना चाहिए। हम चर्च में बैठे हुए हैं, इधर उधर देख रहे हैं, पास्टर साहब प्रचार कर रहे हैं, ये कोई साधारण संदेश नहीं दे रहे, कोई कथा के कहानी नहीं सुना रहे पास्टर साहब, ये परमेश्वर का जीवित वचन जो इसमें है उसका प्रचार कर रहे हैं। और हमारा मन नहीं लगता, वो इसलिए नहीं लगता क्योंकि शैतान ने हमारे विश्वास को चुरा लिया। हमारा केंद्र बिंदु परमेश्वर होना चाहिए। रोमियो की पत्री उसका 10:17 ना कि हमारा अपना ध्यान अपनी परिस्थितियों पर लगाएं, आज क्या होगा, कल क्या होगा, हम क्या है, कौन सी पोजीशन में आएंगे, पादरी साहब हमारे घर आते हैं या नहीं आते, इन बातों पर नहीं, हमें इस पर परमेश्वर के वचन पर मन लगाना है। और जो वो बोल रहा है परमेश्वर की सामर्थ से बोल रहा है। आदमी अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, परमेश्वर किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है। वो अंतर्यामी, वो हमसे पूछ के थोड़ी इस्तेमाल करेगा। और अंत में कहना चाहूंगा जो मेरा कंक्लूजन है, भय
चिंता संदेह, हम इसे पवित्र शास्त्र प्रार्थना और विश्वास के माध्यम से दूर कर सकते। हमारी क्या क्या कमजोरियां हैं जो हमारे मसीही जीवन और विश्वास में आड़े आती है, हम उन तीनों बातों को लेकर उसे दूर कर सकते। परमेश्वर की आशीम आशीषे और दान वरदान को प्राप्त कर सकते। इसलिए हम परमेश्वर के अनुग्रह का आनंद लें, अभी हम अनुग्रह में जी रहे हैं, चिंता ना करें, डरे ना और संदेह ना करें। पौलुस प्रेरित की भांति हम कह सके कि हमने विश्वास के साथ अच्छी लड़ाई लड़ ली है, हमने विश्वास के साथ अच्छी लड़ाई लड़ ली है। इसलिए प्रियो, मैं जो आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि हम अपने विश्वास को इन शत्रुओं के द्वारा चोरी ना होने दें। हम घुटनों पर जाएं, वचन को पढ़ें, प्रार्थना करें। हाँ, भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें जो विश्वास से दूर हो गए हैं, बैकस्लाइड लोगों के लिए प्रार्थना करें जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दिया है, जो हमारे और आपके जीवनों के कारण ठोकर खाते हैं, उनके लिए प्रार्थना करें, अपने जीवन को भी सुधारें। हम परमेश्वर के वचन पर चलने वाले हो, पवित्र आत्मा से अगुवाई मांगे ताकि परमेश्वर अपनी करुणा और निरंतर हम पर बरसाए और हमें विश्वास स्थिर करे, ताकि जब वो आए तो हम और आप बादलों पर एक साथ उठाए जाए। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आगरा मसीह मंडली के लोगों का, इस ऑनलाइन से जुड़े हुए लोगों का, इस ऑनलाइन को चलाने वाले संस्थापकों का। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करें, जो बीमार हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, लाचार हैं और विश्वास को खो चुके हैं। अनुग्रहकारी परमेश्वर, एक बार फिर से हम तेरे चरणों के पास आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। अब तो पापी हैं हम, तो गुनेगार हैं हम, तो तुच्छ हैं हम, तो निकम्बे हैं हम, तो मिट्टी हैं, हमारे अंदर कोई भी योग्यता नहीं है, हम किसी उपयोग के नहीं है और बगैर तेरे तो हम शून्य। प्रभु जी हम विनती प्रार्थना करते हैं, जो इस ऑनलाइन से जुड़ा हुआ है, चाहे वो यूट्यूब से हो, फेसबुक से हो, प्रभु जी उन सबों को आशीषित करना, हो प्रभु जी उनकी आवश्यकताओं को समय पे पूरा करना, वह चिंता ना करे, वह डरे नहीं, वह संदेह ना करे, बल्कि प्रभु जी तुझ पर अंधा विश्वास करे और तुझसे चिपके रहे। यदि कोई बीमार है उन्हें चंगाई दे। यदि प्रभु जी हम यदि प्रार्थना करते, कई लोगों के निवेदन हमारे पास आते, हम उनके लिए प्रार्थना करते, कई हिडन है, कई ओपन है, प्रभु जी आप सब कुछ जानते, सबों के प्रार्थनाओं का उत्तर दे, ताकि उनके विश्वास स्थिर रहे, तुझ पर रहे, उनकी निगाहें तुझ चट्टान पर लगी रहे। मैं प्रभु जी हर एक बीमारी को, हर एक चिंता, डर, अविश्वास, संदेह को यीशु नासरी के नाम से डर देता हूं कि लोगों के जीवन से निकल जाए, उनके विश्वास में वह स्थिर हो जाए और तुझसे जुड़े रहे, ताकि जब तू आए तो हम सब बादलों पर एक साथ उठाए जाए। हम इन प्रार्थना करते हैं, इस बरसात के मौसम में कई बेघर हो गए, हम इनकी प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए प्रभु जी जो इस संदेश को सुनते, उन्हें आशीषित करना, ताकि प्रभु जी वो दूसरों को भी विश्वास में आगे को बढ़ा सके और तेरी महिमा का कारण ठहरे। कल के पवित्र दिन के लिए हम सबों को तैयार करना, जब तेरे भवन में जाएंगे, तेरी ब्यारी में भी सम्मिलित होंगे, तेरे लोगों से भी मिलेंगे प्रभु जी और तेरा गुणानुवाद करेंगे, उसको तू ग्रहण करना, ताकि हम एक दूसरे को प्रार्थना में उठाए और शैतान उन्हें डगमगाने न पाए। प्रभु जी इस संस्था के लिए, इस ऑनलाइन सर्विस के लिए और जो भी वचन बोया गया उसके लिए हम इतनी प्रार्थना करते हैं, वो तेरी महिमा के उपयोग में लाए जाए, प्रभु यीशु क्रीस्त के द्वारा, आमीन। और परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ और जितने ऑनलाइन से जुड़े उन सबों के साथ और इस संस्था के साथ, आगरा मसीह मंडली के साथ, जब तक तू दोबारा आने से ठहरता है, जीवन के अंत तक बनी रहे, आमीन। परमेश्वर आप सबों को आशीषित करे, आमीन। जय मसीह।